हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं जड़ी बूटी का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपने पेनिस को लंबा और मोटा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम खराब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, पहली तो बात यह है कि अगर आप अपने पेनिस को लंबा और मोटा करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 19-20 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र इससे ज़्यादा है तो फिर आपका पेनिस लंबा और मोटा नहीं होगा, ये बात पक्की है, ये बात तय है। लेकिन अगर आपकी उम्र इससे कम है तो फिर सबसे पहले आप अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चेक करवाएं, उसके बाद आप अपना FSH और LH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स को चेक करवाएं। अगर इनके लेवल्स में कोई गड़बड़ी हो फिर आप उनका इलाज करवाएं। उसके बाद आप अपना हाइट और वेट का रेशो चेक करें, जिसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, तो फिर आप उसको ठीक करने का कोई उपाय करें। और साथ में अपने पेट को भी ज़रूर चेक करें कि क्या आपके पेट के अंदर कोई गैस बनती है या कोई कब्ज रहती है या कोई तेजाब बनता हो या खट्टे डकार आते हो या पीला पेशाब आता हो, तो सबसे पहले उसका इंतज़ाम करें, उसको ठीक करें। उसको ठीक करने के बाद आप अपने FSH और LH हार्मोन की दवा खाएं और उसके बाद सबसे अंत में अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ठीक करने की दवा खाएं। मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पेनिस के अंदर 3 से 4 इंच का फर्क ज़रूर आ जाएगा, लेकिन अगर आप ये प्रक्रिया फॉलो करेंगे तभी, और आपकी उम्र 19-20 साल से कम होगी। अगर आपकी उम्र इससे ज़्यादा होगी तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। इससे ज़्यादा उम्र के लोग इन झमेलों में नहीं पड़े, उनको जो भगवान ने प्रसाद के रूप में पेनिस का साइज दे दिया है वो उसी से संतुष्ट रहें और उसी से अपना जीवन जिएं। तो आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।